तो गाइस आज ये वीडियो यार आप सभी के लिए बहुत ही जानना जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से वीडियो को फुल्ली देखते रहना, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया था और आप सभी को दिखाया था कि WCC2 कंपनी की तरफ से एक ईमेल का रिप्लाई आया है जिसमें रियल क्रिकेट 20 के ट्रेलर के रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ बात लिखा था। जो ईमेल आया था यार वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब फेक लगा। जी हाँ गाइस, काफ़ी सारे लोगों को फेक लगा। दो एक ऐसे यूट्यूबर भी है जिसने आज वीडियो भी बनाया है कि ईमेल फेक, तो आज मैं इस वीडियो में साबित कर दूंगा कि ये ईमेल 100% रियल है। और मैं दोनों कंपनी को ही सपोर्ट करता हूं, दोनों को ही प्यार करता हूं, दोनों गेम ही खेलता हूं, लेकिन कंपनी ने जो ईमेल लिखा है ये मैंने मेरे वीडियो में दिखाया तो काफी सारे लोगों को मतलब लगा कि फेक है, बस अब रियल क्रिकेट को सपोर्ट करो। भाई मैं दोनों कंपनी को सपोर्ट कर रहा हूं, दोनों का ही गेम खेलता हूं। तो जिस भाई के पास ईमेल आया था, भाई के पास जो मोबाइल डिवाइस है ये बहुत साल पुराना मोबाइल है, और साथ में जो जीमेल ऐप को उसने यूज किया है ये जीमेल भी बहुत साल से अपडेट नहीं किया गया है, यानी कि बहुत साल पुराना जीमेल ऐप है। तो इस वजह से भी जो क्रिकेट @nextstar मल्टीमीडिया से ईमेल आया था इसका फुल नेम आपको देखने को नहीं मिला था, तो इस वजह से भी काफ़ी सारे लोगों को गलत फहमी हुआ था कि ये बस क्रिकेट नेक्स्टस्टॉप मल्टीमीडिया नेम दिखा रहा है तो इसका मतलब ये फेक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये पुराना ऐप की वजह से है। अगर आपके पास कोई पुराना डिवाइस है 2-3 साल पुराना, आप जाके चेक करना, आपको भी सेम ऐसा ही शॉर्ट नेम देखने को मिलेगा। जी अगर शॉर्ट नेम देखने को मिलेगा, तो भाई ने क्या किया था कि जो कंपनी है रियल क्रिकेट का ट्रेलर वगैरह स्क्रीनशॉट लेके WCC2 कंपनी को भेज दिया था, और उसने लिखा था कि रियल क्रिकेट का अपडेट आ रहा है, इसमें ये फीचर्स है, लेकिन आपकी गेम का अपडेट नहीं आ रहा है। तो उसके बाद WCC2 कंपनी से जो ईमेल का रिप्लाई आया है ये देख के काफ़ी सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रियल है। जी हाँ गाइस, काफ़ी सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये रियल है, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये फेक ईमेल है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये 100% रियल है, क्योंकि जो ईमेल एड्रेस को यूज़ किया गया है ये कंपनी का खुद का ईमेल एड्रेस है, ना कि कोई फेक ईमेल एड्रेस। जी हाँ गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू डिटेल्स करके कि ये जो ईमेल एड्रेस से ईमेल आया है cricket@nextstopmultimedia.com, तो nextstopmultimedia.com लिखा है, इसका मतलब ये कंपनी का ईमेल है गाइस, कोई फेक नहीं है। कोई भी क्रिएट नहीं कर सकता है फेक ईमेल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कंपनी का ईमेल एड्रेस यूज करके कोई भी फेक नहीं बना सकता है। तो ये दिमाग में आप घुसा लो, जो जीमेल ऐप है वहाँ से तो आप cricket@gmail.com बना सकते हो, लेकिन cricket@nextstopmultimedia.com नहीं बना सकते हो। और साथ में जो हम उनके बाप है लिखा है, ये WCC2 कंपनी लिखा था, तो ये भी देख के काफ़ी सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कंपनी ने हिंदी में लिखा है। तो जी हाँ गाइस, कंपनी हिंदी प्लस उर्दू में आप बहुत सारे रिप्लाई किया है। जो 2018 वाला अपडेट था वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को हिंदी प्लस उर्दू में रिप्लाई किया है। आपको पता नहीं है तो आप जाके ओल्ड वीडियो चेक कर सकते हो। और कंपनी ने साथ में भी बताया है कि यह कंपनी बहुत सारे अपडेट के ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपको एक मेगा बिग अपडेट देखने को मिलेंगे WCC2 गेम में। तो अभी तो यार आप सभी को विश्वास हुआ कि यह रियल है, क्योंकि यार अभी भी काफी सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा कि यह रियल है। तो अगर अभी भी आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया कि जो ईमेल एड्रेस को यूज किया गया है वो cricket@nextstopmultimedia.com को यूज किया है, यानी कि कंपनी का ईमेल एड्रेस है। और साथ में भाई के पास जीमेल ऐप पुराना है, इस वजह से जो कंपनी का नेम है क्रिकेट नेक्स्ट बस दिखा रहा है। और साथ में जो हम उनके बाप है हिंदी में लिखा था, WCC2 कंपनी रियल क्रिकेट को जो लिखा है हम उनके बाप है तो हिंदी में लिखा था, तो काफ़ी सारे लोगों को लगा कि ये फेक है क्योंकि कंपनी हिंदी में रिप्लाई नहीं करता। तो मैं आपको बता देता हूँ WCC2 कंपनी इंडिया कंपनी है, इंडिया से है, तो ये हिंदी प्लस उर्दू में रिप्लाई करता है। जी अगर हिंदी समझता भी है हिंदी में रिप्लाई भी करता है। आपको पता नहीं है तो आप 2018 में जो अपडेट आया है वो पुराना वीडियो जाके देखो, उसमें भी काफ़ी सारे ईमेल है जो हिंदी में कंपनी ने किया है। तो और एक यूट्यूबर भाई ने कहा कि हमका स्पेलिंग गलत है तो ये फेक ईमेल है, और साथ में कहा भी है कि ये जो कंपनी है ये हिंदी में रिप्लाई नहीं करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस, हमका स्पेलिंग जो है HUMB होता है, HAMB होता है। तो और साथ में ये जो कंपनी है नेक्स्ट मल्टीमीडिया ये इंडियन कंपनी है, तो ये हिंदी प्लस उर्दू में रिप्लाई करता है, ये दिमाग में घुसा लो। जी हाँ, ये हिंदी उर्दू
उर्दू में रिप्लाई करता है। 2018 वाला जो अपडेट है वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को हिंदी उर्दू में रिप्लाई करता है। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहता, नहीं तो मैं रोज वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैं बस इसीलिए वीडियो बनाया ताकि लोगों में कोई गलतफहमी ना हो और बस ये समझ आ जाए कि ये जो ईमेल है ये रियल है। और साथ में मैं दोनों कंपनी को सपोर्ट करता हूँ, दोनों गेम खेलता हूँ, दोनों ही बेस्ट है। अभी तो यार आप सभी को समझ आ चुका है मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए बनाना पड़ा। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ चुका है। मिलता आपके साथ कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।